मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नए जिलाध्यक्ष संजय यादव इस समय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के कैंप कार्यालय पर है, जहां जन समस्याएं सुनी जाती है। लेकिन आज उनके आगमन को लेकर जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है, गाजे बाजे के साथ, जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ मंत्री के समर्थकों ने जो स्वागत किया है, वो यादगार और जानदार और शानदार रहा है। संजय यादव भृगु मंदिर से सीधे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के यहाँ पहुँचे। अंदर खुद स्वयं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नए जिलाध्यक्ष संजय यादव भी हैं, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, पूर्व मंत्री आलम सिंह शुक्ला भी हैं। आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बात कर लीजिए तो आज यहाँ पर जो भीड़ देख रही है, आज जो जमकर जो आतिशबाजी हुई है पूरे इस कैंपस में, नारायणी कैंपस में, उसके बाद सड़क पर, मुख्य मार्ग पर बारिश होती रही, झमाझम बारिश होती रही। उस बारिश में सारे कार्यकर्ता फूलमाला लेके नवागत यानी नए जिला अध्यक्ष के संजय यादव के स्वागत के लिए खड़े थे। संजय यादव खुशी से गदगद थे और स्वयं गाड़ी से उतर कर लोगों के माला ले रहे थे, लोगों से गले मिल रहे थे, लोगों के साथ काफ़ी समय उन्होंने दिया। भृगु मंदिर में काफ़ी पूजन पाठ चला, काफ़ी देर तक पूजन पाठ होता रहा। उसके बाद वो सीधे मंत्री के साथ यानी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कैंप कार्यालय पहुँचे हैं और यहाँ से उनका प्रोग्राम अब सीधे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर होगा। काफ़ी रात हो चुकी है लेकिन आज जो कार्यकर्ताओं की हुजूम इस बारिश में भी खड़ी मिली है। आज इस जनसंपर्क कार्यालय में आज हजारों की संख्या में भीड़ देखी जा रही है। जमकर जो आतिशबाजी हुई, इससे लग रहा है कोई दीपावली हो, जैसे अयोध्या में जिस तरीके से पटाखे छूटते हैं, उस तरह से भृगु नगरी में, भृगु क्षेत्र में पटाखे छूटे। तो आज जो बधाई का दौर है संजय यादव को लेकर, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने यहाँ तक कहा कि संजय यादव के नेतृत्व में बलिया के जो 3 लोकसभा क्षेत्र है, बात करें घोसी की, बात करें सलेमपुर की, बात करें बलिया लोकसभा की, तीनों लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत में यहाँ पे प्रत्याशी जीतेंगे, तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगा। इन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में संजय यादव के नेतृत्व में लोकसभा की तीनों सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगी। वही उपेंद्र तिवारी ने भी संजय यादव की प्रशंसा की, आनंद सिंह शुक्ला ने भी संजय यादव की प्रशंसा की। वहीं संजय यादव ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ होता है, कार्यकर्ताओं की जो भी समस्या हमारी समस्या है, उसको प्राथमिकता से उसका निदान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। संजय यादव ने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी के रीढ़ हैं और कार्यकर्ताओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में बना रहेगा। ऐसा जिलाध्यक्ष देखा गया कि जो कार्यकर्ताओं के लिए 4 कदम चलते हुए, कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए फूलमालाओं से जब रोड शो हो रहा था, जो जैन सलाम उमड़ा था, उस रोड शो में स्वयं संजय यादव लोगों का अभिवादन करते देखे गए। हम बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, संजय यादव का आज रोड शो राजनीतिक सुर्खियों में चर्चाओं का विषय बना रहा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े रहें हमसे बलिया से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।